पाकिस्तान बॉर्डर तक शहीद सैनिकों के लिए पैदल श्रद्धांजलि यात्रा। जनपद मैनपुरी के बदनाहाल ब्लॉक की नारायण वाटिका से युवाओं द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर तक पैदल यात्रा निकालने का फैसला किया, जिसके लिए युवाओं ने जिलाधिकारी को आज ज्ञापन दिया। इस पैदल यात्रा की शुरुआत दिनांक 24 फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे नारायण वाटिका ब्लॉक बरनाहाल से होकर फिरोजाबाद, आगरा, भरतपुर व दौसा होते हुए जैसलमेर के पास पाकिस्तान बॉर्डर पर समाप्त होगी, जिसमें लगभग 2000 युवा शामिल होंगे। इस पैदल यात्रा का मकसद भारतीय सैनिकों की हौसला अफजाई करना है और शहीद सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। सर, ये रैली आपकी क्या उद्देश्य है? इस रैली का कहां से कहां तक के लिए है? इस रैली को निकालने का हमारा उद्देश्य है, हमारे देश में जो 14 फरवरी को जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको श्रद्धांजलि देने का और हमारे जो देश के सिपाही बॉर्डर पर लगे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर तक पैदल यात्रा इसको निकाल रहे हैं। इस यात्रा का नाम हम लोगों ने दिया है श्रद्धांजलि यात्रा। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। यहाँ से कितने लोग जाएंगे? अभी हमारे देश में जो लोगों के अंदर जोश है और जो गुस्सा है उससे हम सही संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते। लगभग 1000-2000 लोग तो हमारे बरनाल से ही चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर तक चलने के लिए हमने कम से कम 100 लोगों को निश्चित किया है। 100 लोग चलेंगे, उसके अलावा बाकी के लोगों से हमने कहा है कि कम से कम 10 किलोमीटर जरूर चलें साथ में हमारी इस यात्रा के समर्थन के। तो यात्रा किस डेट की है? ये 24 फरवरी को सुबह 9 बजे हम लोग नारायण बाट का बरनाल से निकलेंगे और जैसलमेर बॉर्डर तक, आगरा, भरतपुर, दौसा होते हुए जैसलमेर बॉर्डर तक ये यात्रा संपन्न होगी।